Dermal fillers or fat grafting? Which one is better for you? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr.Awais from MySkin Aesthetics and Laser Center, Lahore. आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन की जो कि यूजुअली पूछा जाता है कि व्हाट आर फिलर्स एंड व्हाट आर द फैट ग्राफ्टिंग थिंग्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिलर्स या फैट ग्राफ्टिंग की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। जब वक्त के साथ साथ हमारी एज ज़्यादा होती है तो हमारे फेस में जो फैट कंपार्टमेंट्स हैं वो लूज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे चीक्स या फिर अंडर आईज या फिर जो नेजल एरियल फोल्ड्स हैं या अराउंड द लिप्स वो हॉलो होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं। अब इन लाइंस को फिल करने के डिफरेंट तरीके हैं या फिर चीक्स जो हॉलो हो जाते हैं उनको फिलअप करने के डिफरेंट तरीके हैं, जिनमें दो तरीके जो हैं वो मेन इस वक्त यूज़ हो रहे हैं, जिसमें फिलर्स हैं, डर्मल फिलर्स, इन्हें हाइलूरोनिक एसिड फिलर्स भी बोलते हैं, या फिर फैट ग्राफ्टिंग है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन्हें किस तरह यूज किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फैट ग्राफ्टिंग की। फैट ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि आपके अपनी ही बॉडी की फैट को निकाल के वो आइदर थाई से या फिर बेली फैट वहाँ से निकाल के उसको प्रोसेस किया जाता है और उसको फिर इंजेक्ट किया जाता है। अब इस चीज़ के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। इसके जो एडवांटेज हैं वो मेनली दो एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले नंबर पे कि ये एक तो आपका अपने बॉडी में टिश्यूज होते हैं और इसमें किसी भी किस्म का कोई एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरे नंबर पे जो जब ये इंजेक्ट किया जाता है तो ये आपके फेस में एक रिजुविनेशन और ग्लोइंग इफेक्ट लाता है जो फैट ग्राफ्टिंग है। अब बात करते हैं फैट ग्राफ्टिंग के डिसएडवांटेजेस की। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो डिसएडवांटेज है वो स्वेलिंग और ब्रूजिंग का है, क्योंकि जब किसी भी पार्ट से फैट को रिमूव किया जाता है टू बी इंजेक्टेड इन अनदर पार्ट, तो उस जगह के ऊपर स्वेलिंग या फिर रेडनेस हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी बेली में से अगर फैट को रिमूव किया जाएगा तो वहाँ पर स्वेलिंग और ब्रूजिंग हो सकती है, जो कि तकरीबन 5 से 7 दिन तक रहेगी। तो इसलिए इसका जो डाउन टाइम है फैट ग्राफ्टिंग का वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सेकेंड नंबर के ऊपर जो एक डिसएडवांटेज हो सकता है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जो फैट ग्राफ्टिंग को प्रोसेस किया जाता है बिफोर इंजेक्शन उसके स्टेप्स होते हैं, तो अगर उन स्टेप्स के दौरान इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स को ना मरूज से खातर रखा जाए तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। थर्ड नंबर के ऊपर एक ओवर फिलिंग होती है, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल 25% रिक्वायरमेंट है फिलिंग की तो उसमें 50% तक फिलअप किया जाता है, क्योंकि जो 50% सेल्स हैं वो डाई हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप किसी फैट ग्राफ्टिंग जहाँ पे हुई होगी तो उसके फेस को देखेंगे तो वो एक ओवरफिल्ड फेस होगा जो कि तकरीबन 1 वीक से 1 मंथ तक रह सकता है। ओके, अभी हम बात करते हैं डर्मल फिलर्स के बारे में। डर्मल फिलर्स बेसिकली आर्टिफिशियल फैट हैं जो कि हाइलूरोनिक एसिड के नाम से यूज़ होते हैं। अब डर्मल फिलर्स के जो एडवांटेजेस हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे जो इसके एडवांटेजेस है वो इट इज़ वेरी सेफ, वेरी क्विक प्रोसीजर टू परफॉर्म, और इसके कोई डाउन टाइम नहीं होता, और इफ़ परफॉर्म वेरी वेल इट हैज़ नो साइड इफेक्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लंच टाइम प्रोसीजर, कि आप जब लंच टाइम पे आएँ, लंच की ब्रेक में आएँ तो यू विल गेट द प्रोसीजर डन एंड गो बैक टू वर्क। सो इट इज़ वेरी ईजी एंड वेरी सेफ प्रोसीजर। सेकेंड नंबर के ऊपर जो है वो इसका एडवांटेज उसमें ये है कि ये डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट फिलर्स हैं, मॉडरेट विस्कोसिटी के फिलर्स हैं, हार्ड विस्कोसिटी के फिलर्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइट इन विच दे आर गोइंग टू बी इंजेक्टेड। फॉर एग्जांपल अगर अंडर आइज में है तो सॉफ्ट फिलर्स यूज होंगे, जो नेजोलेपियल फोल्ड या मेरिनेट लाइंस हैं जो अराउंड द माउथ लाइंस होती हैं उनमें मॉडरेट जो विस्कोसिटी है उसके फिलर्स यूज होंगे। अगर आपने लिफ्ट अप रिक्वायर्ड है फेस लिफ्ट अप या फिर चीक बोन कंटूर के लिए उसमें हार्ड विस्कोसिटी के फिलर्स यूज होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द एरिया देर आर मैनी मॉलिकुलर साइजेस ऑफ द फिलर्स। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे है वो इट इज़ FDA अप्रूव्ड
अगर गुड क्वालिटी फिलर्स होंगे तो FDA अप्रूव्ड होंगे. FDA अप्रूव्ड का मतलब है दीज आर वेरी सेफ, वेरी इफेक्टिव, हैव नो टम टाइम. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ फिलर्स. डिसएडवांटेज में सबसे पहले नंबर पे जो है वो सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग मॉलिक्यूलर वेट है. फॉर एग्जाम्पल, इस तरह भी मैंने बात की कि डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के फिलर्स यूज होते हैं. तो अगर अंडर आइस में हार्ड फिलर्स यूज किए जाएंगे टू इंजेक्ट वेरी सुपरफिशियल, तो इट विल हैव साइड इफेक्ट्स. सेकेंड डिसएडवांटेज कुड बी इंजेक्टिंग अ फेक फिलर. जो ओरिजिनल फिलर्स होते हैं दे आर FDA अप्रूव्ड. जो फेक फिलर्स हैं उनमें हाइलोनिक एसिड के साथ साथ और भी चीज़ों की मिलावट होती है. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फिलर चीक्स में इंजेक्ट किया जा रहा है तो 1 or 2 years के बाद वो ड्रूपिंग होके आपकी चिन एरिया के ऊपर आ जाएगा, तो इट विल लुक वेरी अगली शेप, स्क्वायर शेप एंड वेरी बैड अपीयरेंस. तो इसलिए जो फिलर्स हैं वो ऑलवेज यूज FDA अप्रूव्ड फिलर्स. तो दीज वर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फिलर्स. ओके, दिस वॉज अ ब्रीफ डिटेल अबाउट फैट ग्राफ्टिंग एंड डर्मल फिलर्स. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू वेरी मच. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.